कुछ लोगों द्वारा मानसिक रूप से परेशान पशु प्रेमी विनीत बागोड़िया द्वारा आत्महत्या की घटना को डिब्रूगढ़ वासी भुला नहीं पा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज विनीत बागोड़िया के घर के सामने युवा विनीत बागोड़िया द्वारा संचालित पशु प्रेमी संगठन एनिमल वेलफेयर पीपल के सदस्यों ने विनीत को श्रद्धांजलि अर्पित की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा विनीत बागोड़िया के मौत पर शोक जताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने का वादा किया गया था, मगर घटना के 2 महीने बीत जाने के बाद भी विनीत के मौत के लिए 3 दोषी जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन 1 आरोपी एजाज खान को डिब्रूगढ़ पुलिस पकड़ नहीं पाई है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित विनीत बागोड़िया के पिता कैलाश बागोड़िया ने दोषी एजाज खान को पुलिस नहीं पकड़ पाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस के सिस्टम को फेल बताया। इधर एनिमल वेलफेयर पीपल संस्था ने फरार आरोपी एजाज खान को जल्द पकड़कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। मंत्री महोदय ने आकर आश्वासन दिया था हमारे घर पर कि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जो भी दोषी है उनको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे और उनको जो भी सजा है कानून के हिसाब से मिलेगी। किंतु आज भी एक दोषी एजाज खान बोल के है जो 2 महीने से गायब है और उसको पुलिस पकड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाई है। यह एक सोचने का विषय हो गया है कि आज असम पुलिस क्या इतनी निष्क्रिय हो गई है या उनके नेटवर्क उनका जो है वो इतना कमज़ोर है कि वो एक जो एक्यूज्ड है आज 2 महीने से फरार है उसके बाद भी उसको पकड़ नहीं पा रही है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।